मैं जसप्रीत सिंह देवगन ते प्रियंका तनेजा आप थोड़े सारे का स्वागत करते हैं। अज असी सारे इकट्ठे होए हैं शेफ चॉइस मैगजीन दे ऑफिशियल शेफ कोट लॉन्च ते गूगल पोर्टल लॉन्च ते। कहा जाता है कि कुछ भी नई शुरुआत से पहले श्री गणेश जी को याद करें तो बढ़िया होता है, तो क्यों ना उन्हीं को याद करते हुए हम लैंप लाइट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट शेफ सुधीर सिब्बल जी एंड श्रीमती संगीता धीर जी टू एनलाइटन द लैंप। I would like Chef Sudhir Sibyl to please be seated on the stage. Now we would like to welcome our guest of honor, Mr. Vyomesh Jugran ji, who would be welcomed by Chef Madan Lal ji. And Chef Rohit ji also. I would like to welcome Chef Sunil Dhundial ji on stage. Chef Rajesh also. Chef. Now we would like to welcome our guest of honor, Mr. Vyomesh Jugran ji, who would be welcomed by Chef Madan Lal ji.
Now we would like to welcome our guest of honor, Chef Rohit Kumar ji, and he would be welcomed by Miss Priyanka Taneja from Food Lover. Now we would like to welcome our chief guest, Chef Sudhir Sibbal ji, former Vice President Hotels of ITDC, and who would be welcomed by Chef Sunil Dhundia ji. Now we would like to call upon the stage Mr. Jitender Dhirji, who would be explaining us about the Chef Choice magazine and World Chef Choice Federation. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिब्बल साहब, आज के विशेष अतिथि जुगरान जी, शेफ रोहित जी, शेफ प्रोफेसर मदन जी, शेफ राजेश जी, सुनील ढोंडियाल जी, हमारे बीच में मीडिया से आए पत्रकार भाइयों और आप सभी मेहमानों का, गेस्ट, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है। शेफ चॉइस मैगजीन पत्रिका हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 17th ऑफ जुलाई को। ये जो पत्रिका है, हम सब शेफ लोग भाइयों के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसमें शेफ चॉइस पत्रिका में हमने पिछले 2 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। ये मैगजीन है क्या, इसको हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसका मोटिव है, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे। मैंने 22 साल 22 इयर्स मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया है। मैं इस इंडस्ट्री में नया नहीं हूं, बहुत पुराना हूं। इस मैगजीन को लेकर
मेरे मन में काफी कुछ चल रहा था भी हम इसको कैसे लॉन्च करें, क्योंकि मैं एक श्रीनगर उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल में एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ होटल मैनेजमेंट का। तो मेरा मन में आया भी मैं किताब शुरू करूंगा, एक किताब लिखूं होटल मैनेजमेंट के लिए, भी ये बुक पब्लिशर हो जाएगी, इसको स्टूडेंट पढ़ लेंगे, पर ये आगे चल के एक इंस्टीट्यूट तक, एक यूनिवर्सिटी तक, एक कॉलेज तक सीमित रहेगी, इसके आगे नहीं आ पाएगी। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया पर उनमें टैलेंट बहुत है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर उन लोगों को आज तक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। मेरा एक मकसद यह है कि हम लोग जितने भी शेफ हैं जिनमें टैलेंट बहुत है और किचन तक सीमित है, किचन से बाहर नहीं आते, हमारे बीच में राजेश जी बैठे हैं सलाम इंडिया से, इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, फेमस है, सेलिब्रिटी शेफ है। मेरी इनसे एक बार चर्चा चली तो उन्होंने मेरे को पुश तो कर दिया बहुत अच्छे से भी, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इनसे बात हुई, सुनील ढोंडियाल जी से बात हुई, मदन जी से, मैडम प्रियंका जी से, तो काफी इनका मुझे प्यार और सहयोग मिला जिससे मैं आगे चलता रहा। फिर हमने इसका टाइटल ले लिया ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, शेफ चॉइस का वो हमें मिल गया, वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा भी ये मैगजीन जो है ये मैगजीन तक सीमित रह जाएगी, आजकल सब लोगों के हाथ में मोबाइल है भी, ये मैगजीन को पढ़ेगा कौन, तो माइंड फिर घूमना शुरू हुआ। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम इसको एक ऐप में कन्वर्ट करते हैं मैगजीन को। तो हम लोगों ने एक न्यूज पोर्टल क्रिएट कर दिया है, वर्किंग में है अभी भी, मैं उसका आपको लिंक बता दूंगा अभी, हम लोग आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा तो उसमें भी मैं अभी उसको शेयर कर दूंगा। उसमें हमने जो हमारे साथ पत्रकार है टीम है हमारे पास पूरी, HMB गढ़वाल यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है हमारे श्रीनगर गढ़वाल में, वहां पर मास कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें से मिस्टर राजेंद्र जी बैठे हैं, ये भी मास कम्युनिकेशन करें, लास्ट ईयर है इनका, तो इनकी टीम को हमने कोई 7-8 लोगों की ये टीम है जो ये वर्क कर रही है पिछले 2 मंथ से, 2 महीने से, इन्होंने कई पत्रकारों ने मिलकर कई इंडस्ट्री के जो शेफ हैं जिनको आज तक फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं किसी कोई जानते, हमने उन लोगों की इंटरव्यू की है, इंटरव्यू करके हमने उनका मटेरियल तैयार कर रखा हुआ है, हमने उस पोर्टल में भी डाल दिया है। हमने मैगजीन 17th जुलाई 2019 को श्रीनगर गढ़वाल से लॉन्च कर रहे हैं, मेगा शो है उस दिन भी, उसमें हमारे शेफ सिल्वेस्टर अजारियो हैं वो आ रहे हैं, शेफ हरीश पाठक जी हैं USA से, उनके मैसेज भी आए हुए हैं, हम आपको उनके मैसेज भी अभी सुनवाएंगे वीडियो के माहिर। ये मैगजीन को फिर हमने पोर्टल में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने इसका एक YouTube चैनल क्रिएट कर दिया, अभी आप यहां बैठे हैं तो ये लाइव चल रहा है YouTube चैनल पे अभी भी, आज का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये YouTube पे लाइव चल रहा है अभी भी। हम लोग अक्सर न्यूज चैनल देखते हैं शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, उसके बाद प्राइम टाइम शुरू हो जाता है, तो उसमें आप लोग डिबेट सुनते हैं न्यूज में राजनीति की, तो हम लोगों ने एक YouTube चैनल भी क्रिएट कर दिया है जिसको भी आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं इसी मंच से, आपके सहयोग आपके प्यार से। ये YouTube चैनल डेली 4 घंटे लाइव होगा डेली। इसमें YouTube चैनल में होगा क्या, इसमें हम लोग 4 शेफ या 5 शेफ की एक टीम डेली नई क्रिएट करेंगे, हमारे एंकर उनका इंटरव्यू, उनसे डिबेट किया करेंगे किसी भी पर्टिकुलर को लेके, किसी को भी एक मुद्दे को लेके या कोई रेसिपी को लेके या हिंदुस्तान में वर्ल्ड में शेफ को लेके, शेफ इंडस्ट्री को लेके क्या क्या हो रहा है। एक तो ये उसमें रहेगा, 45 से 50 मिनट का ये शो हमारा डेली होगा। उसके बाद हम लोग
एक रेसिपी भी आपको बना के दिखाएंगे, क्रिएट करेंगे हम लोग उसका। जो भी शेफ हमारे से टच में है या हमें मालूम है उनके बारे में, तो हम वहां तक पहुंच बनाएंगे। 5-star होटल 3-star होटल के जितने भी किचन्स हैं वहां जाके हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले 5 से 7 मिनट उस शेफ का, एग्जीक्यूटिव शेफ का इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो अपनी कोई जो उसने अपनी क्रिएटिविटी अपनी तरफ से अपने एंड से कोई रेसिपी बनाई है हम उसको दिखाएंगे। उसके बाद शेफ से बात, हम थोड़ा सा बाहर निकलें तो हमारी इंडस्ट्री में होटल के जीएम बहुत हैं, जनरल मैनेजर, होटल में एचआर होते हैं, वो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, उसके बारे में भी हम एक शो चलाएंगे, जिससे कि आने वाली हमारी जो स्टूडेंट्स हैं होटल मैनेजमेंट के, बीच में बैठे भी हैं, इनका प्लेसमेंट इजीली कैसे हो, उनके एचआर जो होंगे उनका हम लोग शो एक क्रिएट करेंगे। ऐसे ही होटल के एमडी, होटल के मालिकों का भी, उनको भी हम इसमें पार्ट में लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं एक चैनल के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के पत्रकार बंधु भी इसमें बैठे हैं, तो आजकल कलम की बहुत वैल्यू है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा वैल्यू है। कोई बात कहनी हो या किसी से मनवानी हो तो उनकी सरकारें हिल जाती हैं। तो हमारे बहुत मुद्दे हैं शेफ लोगों के, हम लोग काम करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, तो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ें। मुद्दे कैसे सॉल्व करने हैं उसका भी एक मैंने खाका तैयार कर रखा हुआ है। हम लोग बहुत जल्दी शेफ मदन जी, शेफ रजेश जी, सुनील ढुंडियाल जी और कई शेफ हैं, उनका हम एक बहुत जल्दी एक मंडल, हम श्रम मंत्री से भी मिलने की सोच रहे हैं, क्या आगे हमारा शेफ लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, वो हम उस पर भी आगे चल के चर्चा कर लेंगे। और हम लोग एक फेडरेशन, जो शेफ चॉइस की अपनी ऑफिशियल फेडरेशन होगा, ये भी कार्य करेगा शेफ चॉइस मैगजीन के साथ मिलकर। इस फेडरेशन का नाम है वर्ल्ड शेफ चॉइस फेडरेशन। हम लोग इसमें स्टेट वाइज प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहे हैं, अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर रहे हैं, और इंडिया में भी हम इसको नियुक्त कर रहे हैं। इंडिया के मैं इस मंच से 3 साल के लिए, हमारे शेफ सुनील ढुंडियाल जी हैं, सेलिब्रिटी शेफ हैं, इनको इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे लोगों को, स्टूडेंट्स को आगे लेकर आए हैं, तो हम लोग इनके लिए 3 साल के लिए इनको वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं 3 साल के लिए। और इनको एक अधिकार भी दिया जा रहा है कि ये स्टेट वाइज प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहे हैं, उसका अप्रूवल ये हमारी टीम है उससे लेंगे। इसमें जो शेफ सिल्वेस्टर जारियो हैं वो इसके वर्ल्ड के चेयरपर्सन हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड लेवल पे वो मिस्टर हरीश पाठक हैं, इस समय यूएसए में हैं, और इस उनके साथ शेफ कुतुब सिंह नेगी हैं, वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनके साथ शेफ गुरुदेव राणा जी हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार के राजकीय एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, उनको मध्य प्रदेश से अराजकीय का पुरस्कार मिला हुआ है, वो मूल निवास उनका वैसे उत्तराखंड है, गुरुदेव राणा जी वो इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है जी। और ये फेडरेशन हम बना तो रहे हैं, इसका कार्य क्या, इसका कार्यक्रम क्या होंगे, ये मेन मकसद है। हम लोग स्टार्टिंग में स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, जिले से हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर हिंदुस्तान के जिले से स्टेट वाइज ये मास्टर शेफ कंपटीशन करवाएंगे। ये 2 कैटेगरी में होगा, एक होगा प्रोफेशनल
शेफ, जितने प्रोफेशनल शेफ हैं उनका कंपटीशन करवाएंगे। उसके बाद ये कंपटीशन स्टूडेंट्स लेवल का भी होगा, यूनिवर्सिटी लेवल का, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का भी होगा। उनमें से जो बच्चा स्टेट वाइज या जो प्रोफेशनल शेफ है अगर वो क्वालिफाई करके फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसको हम फिर नेशनलाइज पे कंपटीशन करवाएंगे। वो कंपटीशन कैसे होगा, स्टेट में होगा बट वो होगा नेशनलाइज। वो दिल्ली में भी हो सकता है, ग्वालियर में, जलंधर, देहरादून, लखनऊ, कलकत्ता, नेशनलाइज होगा। उसमें इंटरनेशनल शेफ इनवाइट होंगे, जजमेंट पैनल इंटरनेशनल होगा। जो स्टेट वाइज और जिले का होगा वो कंपटीशन हम लोग यहाँ से भेजेंगे अपने एंड से, जिसमें कि जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट या शेफ प्रोफेशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको गिफ्ट हैम्पर के साथ साथ कैश प्राइज, गोल्ड मेडल, ये चीजें सब प्रोवाइड होंगी। इसके बाद जो नेशनल लेवल पे फर्स्ट आएगा उसको हम इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशंस होते हैं उसमें भेजेंगे। आज भी हमारे बीच में शेफ सिल्विस्टर रोजरियो जी ने आना था बट हमारा कार्यक्रम बाद में बना, उनका पहले कार्यक्रम बन चुका था वह समय, आई थिंक बेल्जियम में, मालदीव में वो गए हुए हैं। उन्होंने 17th को जून को वापस आना है क्योंकि हमारा कार्यक्रम फिक्स हो चुका था। मैंने कई लोगों से कमिटमेंट कर दी थी मैं 11 जून को फंक्शन कर रहा हूँ, तो इस वजह से फंक्शन में पोस्टपोन तो कर नहीं सकता था। तो हमने उनका जो मैगजीन का लॉन्चिंग डेट है वो 17 जून कर दिया है, सॉरी जुलाई। ये फेडरेशन आगे चल के और बड़ा अच्छा कार्य करेगा हमारी इंडस्ट्री में। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ होटल मैनेजमेंट का उत्तराखंड में, तो मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं वहाँ से, भी सर हम HM करना चाहते हैं पर हमारे पास देने को फीस नहीं है, पर हम HM करना चाहते हैं क्योंकि मेरे गांव का ये व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, बहुत अच्छा उनका घर बार सेट हो चुका है, बट मैं भी करना चाहता हूँ पर मेरे पास देने को फीस नहीं है। ये अहम मुद्दा है, हमारे उत्तराखंड में बहुत स्टूडेंट हैं ऐसे। और आपको ये जान के एक आंकड़ा मैं देता हूँ, उत्तराखंड के 80% लोग आज होटल इंडस्ट्री में कुकिंग की जॉब कर रहे हैं, शेफ हैं, बड़े बड़े शेफ हैं फॉरेन कंट्रीज में भी। तो हमारे उत्तराखंड में सोच सिर्फ दो ही हैं, या तो हम आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, हमारी भर्ती हो जाए, अदरवाइज वो होटल मैनेजमेंट करने को रेडी होता है। तो हम लोग वहां पे करवाते भी हैं। तो मैंने अपने फैकल्टीज के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ मैंने डिस्कस किया भी अगर हमारे उत्तराखंड में ये पोजीशन है तो भारत के, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ये पोजीशन होगी जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं बट उनके पास फीस नहीं है। तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे फेडरेशन के लोग होंगे उनके माध्यम से जो बच्चे, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, 300 तक, हम उसको एजुकेट करेंगे, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा देंगे और उसकी जॉब की गारंटी भी हमारी होगी। ये है। और आप सभी से मेरा एक विनर प्रार्थना है, यहां बैठे हुए सभी लोगों से जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस मैगजीन को लेके, यूट्यूब चैनल को लेके या फेडरेशन को लेके आप लोगों के पास कोई भी आइडियाज हो, मैं उसको मानूंगा नहीं, मैं उसको 100% लागू करूंगा। कोशिश मेरी ये नहीं रहेगी कि मेरे को इसको करना है, क्योंकि आइडिया से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आइडियाज आप मुझे दीजिएगा, हम लोग बैठ के, हमारी टीम है उस पर डिस्कस करेंगे, हम उस मुद्दों को, मैगजीन को, यूट्यूब चैनल को और पोर्टल को और फेडरेशन को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये हमारा मेन है। आज कई लोगों ने आना था ट्यूसडे के कारण, कई लोगों के मेरे पास फोन आए, सॉरी फील कर रहे थे भी हम कहीं ये प्रोग्राम है, कहीं ये प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया था, सुनील जी, मदन जी, मैडम प्रियंका जी से हम 4-5 लोगों ने मिलके ये डेट डिसाइड कर दी थी, पर आगे चल के क्योंकि
स्टार्टिंग में करने के लिए टीम का होना बहुत जरूरी है और आगे ले जाने के लिए मैन पावर ये जरूरी होती है। और हम आगे चलकर आप लोगों के आइडिया से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द हम लोग फेडरेशन के कार्यक्रम जो भी होंगे फर्दर आपके सामने लाएंगे। तो आप सबसे निवेदन यही है, रिक्वेस्ट है कि आप हमें आइडियाज दीजिए मैगजीन के लिए। आपके पास आसपास कोई भी होटल इंडस्ट्री से किसी भी कार्यक्रम के आप न्यूज स्टोरीज अनटोल्ड स्टोरीज कुछ भी आपके पास हो वो आप हमें दीजिए, हम उसे प्रिंट करेंगे। यूट्यूब चैनल हमारी जो टीम है कैमरामैन टीम है हमारे बीच में मिस्टर सचिन जी हैं, ये अपना यूट्यूब चैनल से ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे की टीम आपके पास आपके मध्यम जब आप बुलाएंगे ये लोग हाजिर होंगे। कोई भी होटल इंडस्ट्री से किसी भी तरह के कंपटीशन होंगे, जितने भी हम कंपटीशन कराएंगे चाहे वो नेशनलाइज है चाहे वो स्टेट वाइज है, हम उसको लाइव दिखाएंगे पूरा चैप्टर। और भगवान ने चाहा तो शेफ चॉइस का हम लोग अपना फूड चैनल खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं, अपना फूड चैनल हम लोग एयर कर सकते हैं, बट आप लोगों का साथ सहयोग और प्यार चाहिए। मुद्दा रहता है फंडिंग का, तो फंडिंग की आप चिंता ना करें, फंडिंग मेरे पास है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो फंडिंग देने को तैयार हैं। मेरे बीच में गोल्डी मसाले वाले नीरज जी बैठे हैं, मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है गोयनका जी के साथ, तो मैंने उनसे बात की संडे को भी, गोयनका जी मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहा हूं, तो कहते करो क्या चाहिए, पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज मैं कर दे रहा हूं, जो खर्चा होगा मैं, तो पैसे नहीं चाहिए मुझे। कहते क्या, मैं कह जी हमारे जितने गेस्ट आएंगे उनके लिए रिटर्न गिफ्ट की इंतजाम कर दो। कह रहे जी मेरी टीम पहुंच जाएगी, आपको कोऑर्डिनेट कर देंगे। ऐसे ही मेरे पास कम से कम भी 100 से 125 कंपनियां ऐसी हैं ब्रांडेड जो पैसा देने को तैयार है, तो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है आप सभी से, पैसे वाली टीमें मेरे पास हैं, फंडिंग मेरे पास है, बस आप इसको आगे बढ़ाओ। ये मैगजीन यूट्यूब चैनल और पोर्टल आपका अपना है, ये मेरा नहीं है और ना मैं इसको अपना कहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, हमारी टीम है ये उसका है, और आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, आप हमें आइडियाज दीजिए, मैं उसको लागू करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जेंटलमैन प्रॉमिस है। तो कहीं भी आज कार्यक्रम के बाद या मेरा नंबर आपके पास हो तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमें रेसिपीज भेजिए अपनी क्रिएट की हुई, आप अपनी स्टोरीज भेजिए, अनटोल्ड स्टोरीज भेजिए, अपने साथ साथ अपने भाई बंधु जो आपके साथ आपके कुलीग काम कर रहे हैं उनकी भी भेजिए, हम उसको भी प्रकाशित करेंगे, उसको भी यूट्यूब चैनल पे हम स्पेस देंगे, पोर्टल में स्पेस देंगे, ठीक है जी। और ज्यादा शब्द ना कहता हुआ आप लोगों से तहे दिल से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है, स्पेशल आज के मुख्य अतिथि सिब्बल साहब का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय दिया। जुगराज जी का वरिष्ठ पत्रकार है हमारे और ये उत्तराखंड का गौरव है हमारे, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तान पेपर नव भारत टाइम्स में एडिटर हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इन्होंने समय दिया। हमारे बीच में शेफ रोहित हैं, ये रोहित जी को आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ तक पहुँच गए, ये राष्ट्रपति भवन में कार्य करते हैं, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट कुक एग्जीक्यूटिव कुक है रोहित जी, मैं आपका भी सर स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आपने समय दिया। और स्पेशल थैंक्स रजेश जी का, सलाम इंडिया से हैं, इन्होंने समय दिया, इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और समय देने के लिए। मेरे बीच में शेफ मदन जी हैं, यूनिवर्सिटी जीएसटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में प्रोफेसर हैं, इनका भी समय दिया इन्होंने। और ये हमारे बीच में शेफ सुनील डुंडियाल जी हैं, इनके समय और इनका भी हार्दिक स्वागत
अभिनंदन मैडम प्रियंका जी का। और ये आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये दिल्ली हमारी जो टीम है, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, मैं तो कल ही पहुँचा हूँ। ये हॉल, ये पूरी व्यवस्था, सारा कुछ शेफ मदन जी ने, सुनील डोंडियाल जी ने, मैडम प्रियंका तनेजा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, सारा कुछ इनका है। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करूंगा कि आगे के कार्यक्रम जो भी दिल्ली के हों वो आप लोग ऐसे ही करते रहें। और सुनील जी से तो रिक्वेस्ट है कि दिल्ली से निकलें, बाहर अदर स्टेट में भी जाएं और अपना काम करें और अपने अध्यक्ष नियुक्त करें और आगे के कार्यक्रम बनाएं। और इनको जो भी मेरा सहयोग, हमारी टीम का सहयोग, चैनल का, यूट्यूब का, शेफ चॉइस का, मैगजीन का और पोर्टल का, वो हम लगातार, हमारी ओवी वैन आपके साथ चलती रहेगी, जहां आप चलेंगे वो टीम हमारी आपके साथ जाएगी। और आप आगे काम करिए, आप फंड की चिंता मत कीजिए, फंड आपके पास आपके पीछे पीछे है, क्योंकि सबसे मुद्दा फंड का होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े कंपटीशन करती है, मुद्दा सिर्फ फंड का आता है। तो फंड की चिंता मत करें, फंड मेरे पास है, आप काम करो, ठीक है ना। फंड की चिंता मत करो, मेरे पास नीरज जी बैठे, घर भी नहीं जाने दूंगा नीरज जी को, तो ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, आप काम करो, फंड हमारे पास है, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों से आप सभी का, आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Can we have a round of applause for Mr. Jitendra Dhee ji and his initiative? As a student, I am sure that by this initiative, we would learn and grow a lot. While talking about media, I would like to acknowledge the presence of Mr. Kumar Samat, media person, CM, India TV, chief editor, and Dainik Savera Times, Jagjeet Singh ji. We all have our experiences as chef and while living our lives. So I would like to call upon Master Chef Rajesh Kumar and Assistant Chef Salam India to share his experiences about culinary world and how this culinary world changed his life. Aajo chef. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सलाम इंडिया से शेफ राजेश कुमार विद माय शेफ सतेंद्र जी। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सतेंद्र नेगी और सलाम इंडिया से हूँ और इंडियन कुलिनरी फॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ 15-20 साल से। यहाँ के बहुत ही खुशी हुई और शेफ सुधीर शेफ से मिलके भी बहुत अभिनंदन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में आता रहूँ और साथ में काम करता हूँ और शेफ लोगों के साथ नीचे काम करता हूँ, थैंक यू सर। और शेफ जी, आपसे हमें काफ़ी उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आम लोगों के लिए एक थोड़ा सा नोटिस दीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं आपके HM से निकलते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से अच्छी जगह से निकलते हैं, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर 5-star होटल्स, 7-stars एंड स्ट्रीट फूड्स। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं एवरी डे, आई कॉन्ट एक्सप्लेन, हार्डली पेन होता है कि उनको जॉब नहीं मिलती 5-star होटल्स में, 7-star होटल्स में या कहीं पे वो लोग जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हर जगह एक वही वाला आया था, भाई भतीजावाद। काफ़ी लोग अपसेट होते हैं कि शेफ हमें जॉब नहीं मिलती, कहाँ जाएं? तो उसका क्या आप करवा सकते हैं हेल्प, वो मुझे प्लीज बताइए। हाँ, तो प्लीज वो थोड़ा सा मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आउट ऑफ कंट्री, आई वर्क फॉर USA, न्यूजीलैंड, दुबई, 7-star होटल्स एवरी डे। तो कई बार हार्ट पेन होता है, दिल दुखता है कि यार इनको कहाँ जॉब दिलवाए। और इंडिया में भी है, आपको पता है बेरोजगारी काफ़ी है। मोदी जी का हमारा वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, सबका साथ
सबका विकास, ठीक है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे भाई लोग हैं या बच्चे लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती। बाहर से डिग्रियाँ लेके आते हैं, डिप्लोमा लेके आते हैं, उनको इंडिया में जॉब नहीं मिलती। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस फॉर ली मैडिन, आई वर्क फॉर विद देवेंद्र कुमार जी, कबाब वगैरह चटनी मैंने रेसिपी बुक वगैरह लिखी उनके साथ, तो काफ़ी जगह मैं भी घूम चुका हूँ। मैं भी घर का छठा सदस्य हूँ, मेरे फादर इंदिरा गांधी के शेफ रह चुके हैं पर्सनल, अटल बिहारी वाजपेयी को खाना खिला चुके हैं। पर जब भी देखता हूँ आते हैं लोग, अरे शेफ जी कहीं जॉब है, कभी जॉब है, तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं एज ए बड़े भाई के नाते, एज ए शेफ के नाते, कि कहाँ से उनको जॉब दें। तो मुझे उसके लिए सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे शेफ हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, कि उनकी हेल्प करें वो डिग्री लेने के। वो कई मेरे पास एक लास्ट टाइम एक फैमिली आई थी, उनकी मदर ने अपने जेवर गिवरी रख के अपने बच्चों को स्टूडेंट की फीस भेजी थी, तो उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो कह रही सर देखिए मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई है, तो पैसा नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें, तो हम क्या जवाब दें उनको। तो मुझे उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है सभी शेफ लोगों से, एक भारत के पासपोर्ट के ऊपर लिखा था आई एम इंडियन, पासपोर्ट के ऊपर लोगो लगा हुआ है मैं भारतीय हूँ, तो हमारी कंट्री में क्या एक ही ईगो है लोगों के, आई एम उत्तराखंड, मैं बांग्लादेशी, मैं पाकिस्तानी, वो छोड़ें, सबसे पहले वो छोड़ें, आई एम इंडियन, वो दिखा के एक लोगों को जॉब दिलवाएं, हेल्प करें पुअर पीपल्स की, और जिनके पास जॉब नहीं है वो बेचारे परेशान होते हैं एवरी डे कॉलिंग कि सर मुझे कोरिया भेज दो, जापान भेज दो, मैं भेजता हूँ, ट्राई करता हूँ, पर लकली बैड कि उनको कई बार नौकरी नहीं मिलती क्योंकि डिग्री नहीं होती, डिप्लोमे नहीं होते। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने मेरे भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं या शेफ लोग हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करें, उनको नौकरी दें और उनकी फैमिली का टेक केयर करें। थैंक यू वेरी मच। शेफ थैंक्स अ लॉट, थोड़े तो ज़्यादा खुशी सानू हुई है थोड़ी दुआ लैके। नाउ वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर व्योमेश जुगरान जी टू शेयर हिज फीलिंग्स अबाउट द इवेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट जन और इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह के लिए इस आयोजन के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ में इस बात का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस समारोह का अंग बनाकर इतने ऊंचे सोपान पर ला बिठाया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज जो विषय इस समारोह के निमित्त
आप लोगों ने रखा है या जो इसकी सेंट्रल थीम है, इसका केंद्रीय विषय है, पता नहीं क्यों मेरी जानकारी उस विषय में बहुत सीमित है और मैं अपने आप को थोड़ा सा असहज सा महसूस कर रहा हूँ, खासकर इतने इंडस्ट्री के विद्वानों के बीच में और इतने विशेषज्ञ हैं इनके बीच में मैं क्या कहूँ। शायद मुझे ढोंडियाल जी ने जब ये प्रस्ताव दिया तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा ये आपका चयन गलत है, मैं इस विषय के बारे में बहुत उस तरह से नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर भी जितेंद्र जी ने जिस तरह की बातचीत की और दूसरे लोगों ने जो बताया, तो सचमुच हमेशा एक पत्रकार के नाते तो सीखने की इच्छा रहती ही है और मैं पत्रकार रहा, पत्रकार के रूप में जो है, जब हम लोग अखबारों में इतने लंबे समय से काम किया तो जो स्वाद है या जो भोजन है उसका मतलब समय के साथ उसका तालमेल कभी नहीं रहा, इसलिए क्योंकि रात दो दो बजे एडिशन छोड़ के घर आना और उसके बाद में तो फिर वो चीज़ मतलब एक तरह से पेशा ऐसा रहा कि भोजन रात दो दो बजे आए, खाना खाया नहीं खाया जो भी आप कह सकते हैं, तो इसलिए स्वाद को लेकर के कभी उस तरह की उत्कंठा नहीं रही। हाँ ये ज़रूर था कि आज से करीब ढाई तीन दशक पहले जब हमने अखबार में अपनी नौकरी शुरू की तब अखबारों में ये जो हमारी व्यंजन कला है या जो हमारी पाक कला है इसके बारे में बहुत कम सामग्री छपा करती थी। कुछ अंग्रेजी की मैगजीन जरूर होती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली वगैरह, जिसमें कुछ रेसिपीज के बारे में, आज तो खैर उसको हम रेसिपीज कहते हैं लेकिन उस समय मतलब उस तरह के टिप्स वगैरह जो भोजन वगैरह के रहते थे। तो वो दौर उस समय मतलब बहुत कम चुनिंदा अखबारों में इस तरह की सामग्री छपती थी, जैसा कि आज तो हम देखते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन या कोई भी जो चाहे चैनल कह लें या आप वो कह लें, इसमें रेसिपीज़ के बारे में और इस पाक शास्त्र के बारे में मतलब अगर ना हो तो कोई उसका अर्थ नहीं है या उस वो मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, उसका पैकेज पूरा नहीं होता है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन ने एक भौतिकता की ओर हम बढ़ते चले गए और हमारे खान पान, पहनावा और ये सारे आचार विचार जो बदलते चले गए, और ख़ासकर जब से ये संचार क्रांति एक तरह से इसका प्रवेश हुआ, तो हमारे जो परिवेश उसके विभिन्न पहलू, खासकर हमारे आस मतलब इस पत्रकारिता में या जर्नलिज्म में या इसमें वो समाहित होते चले गए। मालिकों की, मैं तो जिस अखबार में, मैं नवभारत टाइम्स में करीब मैंने 19 साल काम किया और उस समय मालिकों की जो नई पीढ़ी थी वो चाहे एक्सपोर्ट से पढ़ करके हार्वर्ड से या यहाँ से वहाँ से मतलब एजुकेशन ले करके जब वो आई तो संपादकों के साथ उनकी जो मतलब उनकी जो मतलब एक तरह से क्या कंटेंट अखबार में जाएगा, क्या सामग्री जाएगी, इसके बारे में उनकी स्थिति लगभग बहुत स्पष्ट थी और उनका ये कहना था कि भाई अब हमको
ये पॉलिटिकल गॉसिप्स, ये पॉलिटिकल राजनीतिक खबरें या इस तरह की खबरों की बजाय एक लाइफ स्टाइल की से जुड़ी हुई सामग्री, उसको हमको प्राथमिकता देनी होगी। और जब हम लाइफ स्टाइल्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें फैशन और ये जो हमारी व्यंजन विधा है ये सबसे ऊपर मानी जाए। आज आज हम ये देखते हैं कि जब ये सामग्री अखबारों में छपने लगी तो सर्कुलेशन भी, प्रसार संख्या भी अखबारों की लगातार बढ़ती चली गई। मालिकों को भी लगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे ये जो मतलब लाइफस्टाइल को लेकर के हम जो मतलब अपनी सामग्री दे रहे हैं, इसमें इसको हमको और आगे मतलब इसको एक स्थायी फीचर के रूप में, एक परमानेंट फीचर के रूप में अखबारों में इसको शामिल किया जाने लगा। अब ये धीरे धीरे ये समझिए आप कि एक तरह से हम ये मानते हैं कि भोजन कला जो है ये एक आज की तारीख में वैश्विक उद्योग के रूप में प्रतिस्थापित है। हमें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक होम साइंस करके एक विषय हुआ करता था, और उस होम साइंस में एक साबूदाने की रेसिपी बनाना सिखाया जाता था शुरुआत में। तो उसमें बताया जाता था कि भाई अगर मरीज के लिए बनाना है तो ऐसे बनेगा, और मतलब किसी मेहमान के लिए खीर बनानी होगी तो ऐसे ही बनेगी। कहने का मतलब ये है कि लेकिन वो चीज़ मतलब आदमी वहाँ जो है एक आविष्कार, उस मतलब उसके कई तरह के प्रयोग करते हुए एक आविष्कार की दस्तक हमको लगती थी कि हाँ भाई इसको इस तरह से बनाया जाए तो ये ऐसे होगा, इसको इस तरह से बनाया जाए तो ऐसे होगा। तो ये जो आविष्कार है धीरे धीरे मतलब एक प्रकार से साधारण स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाने की जो ख्वाहिश हमारे बाल मन पे जो दस्तक देती थी, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता चला गया, प्रगति करता चला गया, हमें खाद्य मतलब हम उसी शैली के अनुरूप अपने भोजन में भी परिवर्तन करते चले गए। आवश्यकताएं बदली, कहते हैं आविष्कार जो है वो हमारी आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और बदलते समय के अनुरूप आवश्यकताओं में हमने अपनी पाक कला और इस पाक शास्त्र में लगातार बहुत मतलब नए नए प्रयोग हम करते चले गए हैं। हमें खुशी है आज की पहाड़ी जो समाज है उसमें जो जैसे कि जितेन जी ने भी कहा कि इस शेफ के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग स्थापित हैं, और बड़ी बड़ी विश्व की हस्तियाँ, इवन कई बार मोदी जी वगैरह के दौरों में भी इस बात का जिक्र आता है, ऐसे लोग हैं पहाड़ी हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने बड़े मानक स्थापित किए हैं, नए नए मानदंड स्थापित किए हैं। और पाक कला आज की तारीख में एक खाली ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है भोजन बनाने की विधा है, ये एक अपने आप में विज्ञान है। और इस विज्ञान में जो इसके जो आविष्कारक हैं या इसमें जो काम कर रहे हैं आप सारे लोग, मैं मानता हूँ कि मतलब उनका दर्जा किसी एक लब्ध प्रतिष्ठित और बहुत ही उस तरह के वैज्ञानिकों से कम नहीं है, हैं। आज उन्हें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी बड़े होटल में काम कर रहे हैं, किसी फूड चेन में काम कर रहे हैं, हम उस वर्क फोर्स के रूप में उनको नहीं देख सकते। बल्कि जो चाहे नभ हो, थल हो, जल हो, से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मतलब खाद्य की जो आवश्यकता है उसकी जो उपयोगिता है उससे जोड़कर इसे हमको देखना चाहिए। और मैं जैसे अंत में एक
सुझाव के तौर पर, वैसे तो मुझे जानकारी नहीं है इस इंडस्ट्री में, शायद आप लोगों को कोई प्रॉपर मेडिकल मतलब ट्रेनिंग वगैरह के प्रोग्राम चलते होंगे या नहीं चलते होंगे, या आपके कोर्स का हिस्सा होता होगा वो, लेकिन जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक बदल रहे हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो चीज़ें, और उसकी अवेयरनेस हिंदुस्तान में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस दिशा में भी जोर दिया जाना चाहिए कि नहीं भाई, सेहत से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उसको प्रॉपर शेफ को उसकी भी एक तरह से बहुत गहन रूप से उसकी ट्रेनिंग या उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और चूँकि अभी एक 2021 में जो है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है, इसका चूँकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है जो शायद 1962 में इसको गठित किया गया था, और उसका भारत में पहली बार उसका एक सम्मेलन होने जा रहा है, और वो इसी सारे विषयों पे कि जो हमारे वर्ल्ड मतलब आहार के जो मानक हैं किस तरह से इनको वो किया जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान में वो एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। आपने कुछ सुझाव के बारे में उस चैनल्स और उसके बारे में ज़रूर कहा था, तो कुछ ऐसी मतलब जो है मसालों के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, उनसे जुड़ी हुई चूँकि मतलब एक जैसे दालचीनी मान लिया जाए एक, तो दालचीनी को लेकर के बड़ी मतलब लोमहर्षक कथाएं भी हैं, श्रीलंका में शायद सबसे ज़्यादा होती है कि भाई वहाँ वो जो पेड़ हुआ करता था, कोई सिनोमन करके बर्ड एक होती थी जो उसको मतलब उसका अपना घोंसला उस पेड़ के डाल से बनाती थी, तो लोगों की उत्सुकता हुई कि भाई ये आखिर इस और बहुत कहीं सुदूर वो जो है, तो उसकी उसकी तलाश की गई, तो फिर ये कहानी कुछ इस तरह से है कि उसके वो उड़ते हुए लोगों ने ज़मीन में मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए बड़े बड़े, अब वो चिड़िया जहाँ तक कथा है, वो चिड़िया जा करके उन मांस के उनको ले जाती है और अपने घोंसले में ले जाती है, तो उसके वजन से घोंसला टूट जाता है, घोंसला टूट जाता है तो वो दालचीनी की टहनियाँ लोगों को तब पता लगता है कि भाई ये हाँ ये चीज़ है। कुछ इस तरह की कथाएं हैं कि भाई वो सांपों के बीच में वो पेड़ रहता है, ताकि तो ये कहा गया कि भाई ये कथाएं इसलिए भी लोगों में प्रचलित की गई कि उन सारी चीज़ों पे एकाधिकार रहे उस समाज का, या वो जो उस चीज मसालों को जानते हैं उसका एकाधिकार रहे और दूसरों को वो ना वहाँ तक सूचनाएं पहुँचे। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो अन्वेषक थे कोलंबस से लेकर के और उन लोगों ने तो मसालों की खोज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं लोगों की बदौलत कई मसालों के बारे में हम लोगों ने जाना कि हाँ भैया, तो मेरा कहने का अर्थ है आपका जो चैनल है उसमें इस तरह की सामग्री थोड़ी दी जा सकती है ताकि लोगों का कनेक्ट रहे, लोगों थोड़ा सा ये भी लगे कि हाँ भाई जो चीज़ हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या है। जैसे अभी एक मैं पढ़ रहा था मैगजीन में, एक ब्लैक गार्लिक करके है, ब्लैक गार्लिक करके एक, तो उसको किस तरह से घर में ही आप बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। Can we have a round of applause for the presence of Mr. Vyomesh Jogran ji? Sade vich Punjab to kuch loki jode ne, ohna de swagat layi main chahunga tusi taaliyan zordar taaliyan ho jaan ohna layi. Shrimati Manju Kumar ji, Chef Jitender Noor ji, Chef Virender ji. Chef bahut bahut thank you thode layi. Now we would like to request our chief guest chef
Sudhir Sibbal ji to enlighten us with his words of wisdom. Very big clapping. नमस्कार जी. बहुत दिल खुश होता है जब इतने सफ़ेद जैकेट्स के अंदर अपने लोग दिखते हैं, श्रोतागण देखते हैं, तो लगता है कि अपना ही प्रोग्राम है. आज बहुत खुशी हुई जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मदन जी जिन्होंने थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस करा पहले. और ये ऐसा मौका है, मुझे तो पहले बहुत खुशी हुई इसी बात ही की कि शेफ़ लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है और उसके लिए आप लोगों ने कुछ शुरुआत करी है. जुगल जैसे की तरह हम इतने अच्छे स्पीकर तो हैं नहीं, बट इतना ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत अपनी कन्वे कर पाएंगे, आप लोगों से साथ शेयर कर पाएंगे. ये जो मीडियम है हमारा, शेफ़ लोगों के लिए कोई मैगज़ीन या पोर्टल या ये, इसकी बहुत ज़रूरत थी, ज़रूरत है अभी भी. और ये गैप है, ये हमारे जो उसकी जरूरत थी जिसके लिए, और ये हर कैटेगरी के लिए चाहिए. इट इज़ नॉट ओनली फॉर दिसिंग, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि एक मैगज़ीन शेफ़ की जो सबसे पहले शुरू करी है वो शेफ़ गिल और हम दोनों ने मिलके ही शुरू करी है, और वो उसका लेवल एक इंटरनेशनल लेवल के लिए है. बट उससे पूरा नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता, कुछ परसेंटेज भी नहीं, कहते पॉइंट पॉइंट कुछ वो भी नहीं पूरी होती. पर आपकी जो मैगज़ीन अगर ये चीज़ आती है तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसको आप फिल कर सकेंगे. पहले थोड़ा शुरुआत करता हूँ मैं उत्तराखंड से. उत्तराखंड के आपने बताया कि वहाँ पे जो हैं लोग ज़्यादातर यहाँ तो फौज में जाते हैं या इसमें जाते हैं. मैं आधा उत्तराखंडी हूँ क्योंकि मैं शुरू से फौज में जाना चाहता था और आ इस लाइन में गया. रहा पढ़ा मैं सैनिक स्कूल से और वहीं फ़ौज में जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट. बट नाउ सिंस आई एम शेफ़, तो उसमें कोई कमी और कोई वो नहीं लगता कि किस चीज़ में पीछे रह गए. तो शेफ़ का काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी और व्यवसाय में होगा. जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने शेफ़ लोगों का बता दूं आपको कि एसोसिएशन में रहना, एक इकट्ठे एक कुछ ग्रुप में रहना, आप बहुत कुछ सीखते हो एक दूसरे के साथ. अपने में आप अपने आप को अपने किचन का राजा समझते हो, पर जब आप बाहर जाते हो, कंपटीशन में आते हो, किसी चीज़ में साथ मिलते जुलते हो, तो आप देखते हो कि दुनिया में और क्या क्या हो रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है. एक ही चीज़ को किस तरीके से बनाया जा रहा है वो दूसरे लोग और क्या बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, वो तभी देख पाओगे जब ऐसे कंपटीशन होंगे जो आप सोच रहे हैं. एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ मिलके जो आपको एक मन लगाओ, देखो हर लाइन का एक अलग रहा है, उनकी एसोसिएशन, उनके क्लब बने, सब चीज़ रहती थी. पर शेफ़ लोगों के पास कभी भी ये चीज़ की कमी रही है कि वो हमेशा बैक ऑफ द हाउस रहते थे. उनको वो मौका ही नहीं मिलता था कि सारा दिन तो उन्होंने काम करना, किचन में करना, लेट आना, और कोई पूछता भी नहीं था सामने, क्योंकि अपने नाम उस टाइम ऐसे टाइम पर हम निकले हैं कि जब रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते थे, आप वहाँ पर किचन में रहते थे. तो वो चीज़ अब जो मौका मिल रहा है उसमें कि आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे. अब कोई शेफ़ एक वो नहीं रहा, अब जो शेफ़ का काम है सिर्फ खाना बनाना ही नहीं रहा, अब खाना बना के उसको बेचना, उसको बताना, उसके बारे में उसको क्रिएट करना, उसकी जो रेसिपीज़ बनानी है या उनको दुनिया के आगे लेके आना. एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जिसके ऊपर अब बहुत वर्ल्ड में काम हो रहा है और शेफ़ लोग भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टेज पे हो कि हमें कितना खाना हमारा वेस्ट हो रहा है उसको संभालना हमने, या उसको हमने कैसे बचाना है. कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो अभी रिपोर्ट आई है, जो इस हमारी मेरी मैगज़ीन जो अभी अंडर प्रिंट है क्यूज़ीन डाइजेस्ट के नाम से जो अभी है, अभी आएगा इशू, उसमें सारा कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है. 10 लाख के करीब ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो चाहे वो एनिमल वर्ल्ड के हों, वेजिटेबल वर्ल्ड के हों, मसाले के हों, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो अगले 10 साल में नहीं खत्म रहेंगे. और वो क्या रीज़न है, क्योंकि हम उसका ना अपना ध्यान रख पा रहे हैं, ना हम उनको कुछ चाहे वो हमने पेड़ काटने हैं या हमने पौधों के या इनफैक्ट आप जो अब लगाते भी हैं, जो अपनी एग्रीकल्चर है जिसकी रिक्वायरमेंट आपके पास, आप तो वही देखते थे कि जो डिमांड बन रही है. आज अगर ब्रोकली चल रही है तो ब्रोकली चलती जा रही है, ब्रोकली की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या गोभी है तो सारा साल
हमने देखा है कि अगर सीजन में ही खाना ठीक है, आप सबको पता भी होगा, और जो एक लोकल जो चीज़ें होती हैं वही उसी के उस लोगों के लिए रहने के लिए अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। वहाँ पे अगर आप फोर्स करोगे कि उनको वैसी चीज़ें बाहर से लाके दो और वो उनको खिलाओ और वो बनाओ, वो ज़्यादा देर चलती नहीं है। और वो अगर चलेंगी तो वो स्वाद के लिए है, पर वो हमारे अपने लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। आपको जितनी लोकल चीज़ें, सीज़न की चीज़ें, उन्हीं पर ध्यान रखना चाहिए, और जिनका आगे के लिए हम उनको आगे बढ़ा सकें, उनका ध्यान रख सकें कि वो उनका उनकी कोई ख़त्म ना हो, उनके लिए आगे कोई ना रास्ता रहे कि हमारे जब आगे बच्चे या उनके बच्चे हों तो उनको वो चीज़ें मिलें। अभी जो हालात हो गए हैं वो ये है कि आपको ऐसी चीज़ों की तंगी होनी शुरू हो गई है, चाहे फॉर व्हाटएवर रीज़न, इट इज़ नॉट ओनली कि हम पेड़ों को काट दिया या हमने ये चीज़ें उगाई नहीं है या उनका नहीं करा, और बहुत चीज़ों का हम वेस्टेज कर रहे हैं हमने, जिसके कारण हमारा ये चीज़ों की ख़त्म होती जा रही है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक जिम्मेवारी शेफ़ की हो जाती है, और ये आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है शेफ़ के ऊपर जिम्मेवारी, वो इसलिए कि शेफ़ एक इन्फ्लुएंस कर सकता है। शेफ़ इस माध्यम से, चाहे वो एक मीडियम को ही ले लीजिए, चाहे वो यूट्यूब क्या हो, फूड चैनल की बात कर रहे थे अब टीवी चैनल के ऊपर, या इवन मैगज़ीन के अंदर, आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो बताते हैं, वो शेफ़ की बात सुनते हैं। वो टाइम आ गया है कि जब मैं थोड़ा बता दूं आपको, जब मैंने ज्वाइन किया था 40-45 साल पहले, तो उस लाइन में हमारे होटलों में, बड़े होटलों में बांग्लादेशी शेफ़ होते थे, या ज़्यादातर गोनीज़ होते थे, क्यों, खाना ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल और वो बनता था, कोल्ड का जोर था ज़्यादा इन चीज़ों पे। पर अब जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि 80% हम गढ़वाल के लोग हर जगह पहुँचे हुए हैं और बहुत सा काम कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं आप सबको एक और फिर कहूँगा कि इससे क्लैपिंग हो जाएगी। उसमें इसको एक पर्टिकुलर खाने के लिए नहीं चाहते, आप किसी भी फील्ड में बोल दीजिए, गढ़वाल के लोग वहाँ पे, उत्तराखंड के सॉरी, वहाँ पे आप उस चीज़ में, चाहे वो इंडियन खाना हो, चाहे वो कोल्ड का हो, चाहे किसी भी फील्ड में, वहाँ पहुँचे और माहिर हो चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने बताया था कि ये जॉब की जो रही है, आई थिंक थोड़ा सा ये गैप है हमारी इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में, वो उसको थोड़ा दूर करना है कि हम पढ़ाते जो हैं वो हम इंडस्ट्री के साथ मिलके कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हम फुलफ़िल करें, उसी को उस तरीके से पढ़ाया जाए कि जब इंडस्ट्री में बच्चा आए आपका स्कूल स्टूडेंट, तो वो वहाँ पे बड़ा अजीब सा लगे उसके लिए कि वही चीज़ है सब कुछ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को अगर मौका मिले कि उनको होटलों में, रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए, थोड़ा सा उनको एक इसका कॉन्फिडेंस आता है, उनको समझ भी आती है इस चीज़ की। दूसरी रही कि इस माध्यम से आप थोड़ी सी जो एक रिक्वायरमेंट है अभी भी ऐसी है कि इतनी इंडस्ट्री के लोग मांग रहे हैं जॉब्स, हमारे पास कई व्हाट्सएप ग्रुप और ये बने हुए हैं, ग्रुप उसमें ग्रुप बने हुए हैं जिसमें रोज़ की रोज़ इतनी रिक्वायरमेंट आ रही हैं, उनको लोग नहीं मिल रहे, और इधर ऐसे है कि इधर इतने लोगों के पास जॉब नहीं है, उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही, और प्रॉपर ये चीज़ की थोड़ी कोऑर्डिनेशन आई थिंक इसमें आप लोगों का फिर इसमें आ जाएगा कि आप इस पोर्टल के थ्रू अगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी रखना चाहेंगे जिसमें आप पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पोर्टल जिसमें आप ये रखें कि जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी उसमें दें, तो लड़की ये दोनों का एक माध्यम से पूरा सेट हो सके, इंडस्ट्री के लिए भी और अपने जिनकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। अपनी एसोसिएशन के साथ रहना, जो आपने एक शेफ्स वर्ल्ड की एसोसिएशन में आ रही है कि 85 के करीब 84-85 में हमने ये एसोसिएशन का इकट्ठा मुद्दा उठाया था दिल्ली में, और उस टाइम एक लॉ टॉक ब्लांश होती थी, एक फ्रेंच एसोसिएशन थी, उसके कुछ हम मेंबर बने, वो फ्रांस में होती, उसके 3 साल तक हम उसी के मेंबर बने, बड़ी महंगी पड़ती थी हमारे लिए वो एसोसिएशन में मेंबर बनना, पर यहाँ पे कुछ दिल्ली में लोग इकट्ठे तो हुए इसी बार में, एक शेफ़ ताज में अरविंद सरस्वत होते थे, और मौर्य में शेफ़ गिल थे, मंजीत गिल, वो अभी भी हैं हमारे साथ, वो हम और मैं ITDC से था, अशोका से, उस अशोका में एग्जीक्यूटिव शेफ था, तब दैट्स द टाइम व्हेन वी गॉट टुगेदर और वी गॉट दिस एसोसिएशन रजिस्टर्ड। तो वो 3 साल चली लद्दाख ब्रांच, उसके बाद हमने इंडियन कुलरी फेडरेशन के नाम से उसको शुरू किया था,
पर वो फेडरेशन नहीं बना पाए थे कि फेडरेशन में आपको और क्लब्स और भी एसोसिएशन होनी चाहिए, तभी फेडरेशन बनती है. तो देन वी कन्वर्टेड इनटू इंडियन क्रिकेट फोरम. तो मैं उसका 16 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ एसोसिएशन का. पर एसोसिएशन की थोड़ी सी बता दूँ कि इसमें इतने फ़ायदे हैं कि मुझे कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती थी जिन चीज़ों की. आई होप वी हैव टाइम ना, मैं थोड़ा सा हाँ ये मेरी गप्पें हैं थोड़ी सी. नहीं नहीं थैंक यू. एक अशोका में जब हम मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था तो थोड़े एक दो किस्से हैं बता दो जिससे मुझे दिक्कत हमारी हुई थी कि ब्रोकली नहीं पिमेंटोस हमारे पास इस टाइम ना ये ब्रोकली पिमेंटोस वगैरह एवोकाडो आर्टिचोक वगैरह ये दिल्ली में नहीं मिलते थे. ये अब इनको नाम ही नहीं पता होता तो अगर इसको मेन्यू में डाला भी है तो हम ये ऊटी से मंगाया करते थे. थोड़ा बहुत जो होता था तो ऊटी से होता था, उसी को अप्लाई करते थे या ट्रेन से आता था. तो हमारे मेन्यू में सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल केटरिंग देखता था और इसके लिए हमने उनका जो मेन्यू बनाया था उसमें एक बार ये पेमेंटोज आ गए थे और हमारे पास पेमेंटोज हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सके. तो मैंने अपने रिक्वेस्ट करा बाकी शेफ्स को मेंबर्स जो थे, तो हयात होटल नया खुला था उस टाइम, उन्होंने उनके वहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ सरदार जी थे, अब तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए वो, उन्होंने कहा कि मेरे पास है आप आ जाओ मैं आपको दे दूँगा. पर उसका ना मैं तो ना तो मैं आपका वो गेट पास बना सकता हूँ, आपको लॉबी में आना पड़ेगा, लॉबी से ले जाना पड़ेगा. देखो ये है तो गलत चीज कि आप उसको, पर एज ए शेफ़ के लिए क्योंकि मैंने उसको कुछ बेचना नहीं था, मैंने किसी उसका कमाना नहीं था, मैंने एक अपनी देश के लिए ही उसके लिए प्रधानमंत्री के फंक्शन के लिए जा रहा था तो उसमें यूज़ करना. तो मैंने वहाँ पे वो पेमेंट्स उनसे लिए, लॉबी में आया और मैंने उसको यूज़ किया, एक चीज़ का समाधान हो गया. नहीं तो कितनी हमारी इंसल्ट होनी थी कि एक हिंदुस्तान में एक आइटम नहीं दे पाए, क्योंकि जो मेन्यू बनता था ये इसकी ट्रायल हो जाती थी पहले 1.5-2 महीने पहले और बाद में जब फाइनल होता था. सिमिलरली एक बार किस्सा हुआ था इसके ऊपर, हमारे दिसंबर के महीने में फुल ट्रायल हुई थी तो उसमें हमने कि चिकन का आइटम, क्योंकि ट्राई करते रहते नए नए आइटम बनाते थे, चेस्टनट उस टाइम जो रोस्ट टर्की की चेस्टनट मैं कल सुना होगा आप लोग, वो काफ़ी उस टाइम हमने उसमें बना के चिकन के अंदर दिया था, चिकन के साथ में ब्राउन सॉस के साथ ब्राउन ग्रेवी के साथ, वेट वॉज अप्रूव्ड. अब 2-3 आइटम देते थे उसमें से एक अप्रूव होता था. तो वो पहले हम भूल गए, मेनू देने के बाद वो ख़त्म हो गई बात, दिसंबर की बात थी. जनवरी के जब ये 26 जनवरी के आसपास जो आते हैं गेस्ट, तो उन्होंने वीआईपी गेस्ट, तो उस टाइम वो उनके लिए होस्ट करना था पीएम ने, और वही वाला मेनू आ गया जिसमें चेस्टनट. और उस टाइम ना ये चेस्टनट ऐसे अवेलेबल नहीं कि सारा साल मिल जाते हैं, उस टाइम वो दिसंबर के महीने में ही चेस्टनट आते थे और होटलों में यूज़ होते थे 5-स्टार में और फिर ख़त्म हो जाता था, उसके बाद वो चेस्टनट यूज़ नहीं होता था. बिलीव नहीं करोगे मैं सारे होटलों में ट्राई करता रहा और फाइनली मुझे उस टाइम एक सिंटोर होटल जो वहाँ पे आरवी सिंगल होते थे शेफ़ उस टाइम वहाँ पे, उनके पास वो चॉप वाले थे जो दाने होते हैं ना उसके चेस्टनट, आई कुड एटलीस्ट यूज़ दैट. तो मतलब कि ऐसे शेफ्स के साथ मौका. एक और बात हुई थी जब हम अपना एक शेफ़ एंड चाइल्ड हम डिनर करते थे एक चैरिटी का, जिसमें सारे शेफ़ मिलके एग्जीक्यूटिव शेफ मिलके होटलों के खाना बनाते थे और वो खाना हम बेचते थे आम पब्लिक के लिए और वो अच्छे रेट पे. ये हमने 95 में शुरू किया था और उसमें दिल्ली के सारे टॉप होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ आए. और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो इकट्ठे होते हैं तब पता लगता है कि हम एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं. ओबरॉयज़ का एग्जीक्यूटिव शेफ ने एक शोबे दिया, इसके जो क्लेरिजिस और सूर्य होटल होता था उस टाइम, इन दोनों के एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने एक कोर्स दिया था, आंतरे कोर्स दिया था, डेजर्ट ताज वालों ने दी थी और जो इसका एपेटाइज़र था वो मौर्या ने दिया, ऐसे करते करते और मेन कोर्स हमने अशोका से दिया था. तो जब ये करने लगे तो अशोका में उस टाइम हमारे पास वो प्लेट्स क्रॉकरी नहीं होती, जो आजकल फ्लैट क्रॉकरी आप यूज़ करते हैं, तो हमारे पास वो नहीं हो, वो ओवल शेप की ऐसी होती थी, उसके अंदर खाना लगा के उसकी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हम, क्योंकि हम पहले तो खाना डोंगों में जाता था, एक ओकर डिशेज में जाता था, तो वो चीज़ें नहीं होती थी.
ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को नहीं भी पता होंगी, बट आप जब पुराने लोग समझ पाएंगे कि वो क्या उस टाइम मकसद था उसका। करने के लिए हमने क्रॉकरी, हमारे पास वो नहीं अच्छी थी, तो ताज हम बैठे इकट्ठे मीटिंग कर रहे थे, अरविंद सरस्वत, मैं और मंजीत गिल, और उन्होंने कहा जी यार ये चलेगा नहीं, करनी है शौका में ही है और कहीं हो नहीं सकती, और प्लेटें क्रॉकरी है नहीं, और क्रॉकरी 300-350-400 आदमी के लिए सेट डाउन देना है और वो ऐसा नहीं हो पाएगा। और प्लेटेड फूड था, प्लेटेड फूड भी इतनी आदत नहीं है कि हमारे पास इतने ट्रॉलर्स और स्ट्रॉलर्स और वो नहीं होते थे। तो हमने, ताज ने हमें वो क्रॉकरी ऑफर करी, उस टाइम नई नई वाइट ऑक्टेंगल क्रॉकरी आई थी, पूरा पूरा सेट ताज से अशोका में आया और अशोका में वो यूज़ हुआ उस फंक्शन के लिए। कैन यू बिलीव इट, ये कहीं भी कोई भी होटल चेन एक दूसरे को कभी देते नहीं है, आपस में इतना कंपटीशन है, अपना रेवलरी है और अदरवाइज ऑल्सो एक उसकी आती है, पर ये एक शेफ ही था जो एक शेफ दूसरे शेफ के साथ अपने होटल में कर सका। तो ये जो एक आपका अपना मिलना मिलाना है, ये इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आप किसी भी जगह किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आपको वहाँ पे अपने शेफों को बोलिए, कुछ काम बोलिए कि आपको मदद देंगे, आउट ऑफ द वे करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें आई डोंट नो और क्या, मैं तो कुछ ऐसी बोलता रहूँगा तो बहुत लंबी बातें हैं, पर आपने ये जो काम शुरू किया है, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपसे मांगूंगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, ये तो थोड़ा सा आप इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करिए विथ योर ओन स्टूडेंट्स और मतलब विद योर ओन टीम। आपकी टीम मुझे पता है बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर और शेफ़ों के साथ मिलकर थोड़ा सा कि आपको क्या क्या होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मेरी मैगजीन के अंदर क्या क्या आता है, सो उससे थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा। इसमें एक तो इंटरनेशनल हम एक पार्ट लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कंट्री की एक क्यूज़ीन ले लेते हैं, उसके वहाँ के उनकी कल्चर, उनका खाना, उनके शेफ़ की कोई बनाई हुई रेसिपीज वो उसमें होती हैं अलॉन्ग विद दी फोटोग्राफ्स। ये हम एक कंट्री को, एक कंट्री या एरिया को कवर कर लेते हैं वर्ल्ड का। एक होता है हमारा रीजन का, रीजन में हमने इनफैक्ट सबसे पहली बार जो मेरा इशू हुआ था सितंबर में 2017 में, वो गढ़वाल का ही था, रीजन का लिया था, और ऐसे ही रीजन के हम अलग अलग रीजन का लेते हैं, उसके अंदर उसी की वहाँ की कल्चर, रेसिपीज़, खाना, उनका वहाँ पे क्या चीज़ खासियत है, और थोड़ा सा मिलता जुलता चीज़ें, बर्तन क्या यूज़ होते हैं, कैसी हैं चीज़ें, ये हमारी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसका हम एक जब तक एक दूसरे शेयर नहीं करेंगे, हम अपने जहाँ रहते हैं हम वहीं के लोग जानते हैं अपने बारे में, हम उन्हें जानते हैं कि बिहार में या नॉर्थ ईस्ट में या वहाँ पे क्या हो रहा है, गुजरात में लोग कैसे खाते हैं, इसका हमें थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ उन्होंने कहा कि हम खाना क्या, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मीडिया में जाके, बट ये चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं कि ये कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर नहीं सकते, ये हर आदमी के लिए एक बहुत खाना, और ये 24 घंटे, ये भी नहीं है कि आप इसको एक बार खाने के बाद भूल जाओ, इसको तो आप एक खाना खाओगे तो अगले खाने का आपको इंतजार करना पड़ता है कि उस टाइम क्या खाना खाना है। आपको सुबह की चाय है, चाहे वो नाश्ता है, चाहे रात का खाना है, और कहीं भी हो, चाहे आप यहाँ पर दिल्ली में हो, बाहर हो, आपको खाने का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसमें है कि हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उसका खाने में अच्छी चीज़ें हम बनाएं, अच्छे ढंग से दें, और अच्छे सोदर की ये आगे के लिए चलें। देखो अभी खाना हम जो फास्ट फूड और ये चल पे हैं, अब बड़ी एसोसिएशन बन गई हैं ऐसी चीज़ें, एक स्लो फूड एक मूवमेंट शुरू हुई है, शायद आपको इसका भी पता होगा। स्लो फूड मूवमेंट इज़ जस्ट अपोजिट दी ऑफ फास्ट फूड मूवमेंट। इसके अंदर यही चीज़ें हैं जो हम इसमें बता रहे हैं कि आप अपने ओरिजिनल जो हमारे खाने हैं, जो हमारे बड़े लोग हमारे दादा दादी बनाते थे, उस तरीके से खाना खाना चाहिए, ना कि ये जो बेवरेजेस हैं, जो मतलब कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, या आपके खाने जो अपने मैकडॉनल्ड और ये बर्गर और वो हैं, ऐसी खाने की नहीं है। आपकी जो लोकल चीज़ें खानी है, सीजन की चीज़ें खानी है, उन्हीं को बढ़ावा देना है। इंडिया वर्ल्ड की जो सबसे एग्जॉटिक चीज़ें हैं, जो सब्जियाँ हैं, उनमें से एक सब्जी एक आती है, मैं नाम नहीं उसका जानता, जो आपके उत्तराखंड में एक मिलती है, वेरस ये कहीं पे भी नहीं, वो बहुत महंगी चीज़ कहलाई जाती है, एक बड़ी एग्जॉटिक एक सब्जी है जो आगे करके यू नो इट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट दैट्स अ वेरी एग्जॉटिक। अगर आप गूगल करें तो वर्ल्ड की जो 10 सबसे एग्जॉटिक चीज़ें हैं, वो उनमें से एक ये है जो आपके यहाँ मिलती है, और वो दिल्ली और इंडिया वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेगी, बड़ी लिमिटेड जगह पे मिलती है। तो इस चीज़ की पहले तो अपने खाने की हमें इतनी वैरायटी इंडिया में है, चाहे आप कश्मीर से लेके साउथ तक चले जाइए,
आप सब जानते हैं हर 40-50 किलोमीटर बाद कोई ना कोई खाना का बदल जाता है। उनके पीछे बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। सबसे पहले तो हमें अपना इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि इससे बढ़िया खाना कुछ और नहीं है। हमें हमेशा ही अपने खाने की तारीफ़ करनी चाहिए। कभी मत कहा करो इंडियन खाने में नहीं जी तेल होता है, मीठा होता है, ये नहीं चाहिए। जो तेल होता है या घी होता है वो ज़रूरी होता है उस खाने के लिए। अगर आप मॉडर्न रोगन जोश कह रहे हैं तो रोगन जोश में रोगन नहीं होगा तो खाना नहीं रोगन जोश नहीं कहलाता। सिमिलरली आपके खाने में अगर वो चीज़ें जिन चीज़ों की जरूरत है, अब ये हम नहीं कहते कि आप रोज़ खाओ या उसको किस तरीके से खाना है या किस चीज़ का कौन सा मेन्यू में कैसी आइटम लेनी है, पर सबसे पहले तो आपको हमने इस बात का हमेशा गर्व करा करो कि हमारा खाना बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया है, ठीक है। और जब तक ये नहीं होगा, नहीं तो तब तक आप स्पेशली बच्चे आप लोगों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही आगे ये चीज़ संभालनी है, आप लोगों ने ही आगे इसको नेतृत्व देना है। दूसरा है कि अपनी चीज़ों का जो हमारे पास होती थी पुरानी, उनको जागृत करो, उनको पता लगाओ क्या है, क्या होता था। अगर हमारी दादी या नानी कुछ बनाती थी ना, वो उनके कुछ मकसद होते थे, उन चीज़ों को हम भूल गए हैं। हम आजकल की बड़ी फास्ट मूवमेंट के चक्कर में हम वो भूल गए हैं कि हम वो चीज़ें कैसे बनती थी, क्या होती थी, चाहे त्यौहारों पे, चाहे आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तब है, और हर सीज़न पे अलग चीज़ होती थी। जैसा सीज़न होगा, जैसा जो प्रॉब्लम भी होगी पर्सनल लेवल पे, आपको कोई अगर सिर दर्द है या आपको पेट खराब है तो उसके लिए घर के ही नुस्खे होते थे। ये चीज़ें सर घर में मिल जाती थी, हमें कहीं बाहर लेने की जरूरत नहीं होती थी। इन चीज़ों का पता करिए, इनको यूज़ करिए, इनका बढ़ावा सबको पता होना चाहिए दुनिया में। आप अपनी चीज़ों के उसके माध्यम से ज़रा बताओ इनको। रेसिपीज़ के बारे में, रेसिपी इम्पॉर्टेंट होती है, पर रेसिपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें उसका तरीका बनाने का। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा, आपकी अगर बेसिक्स अगर ठीक हैं तो बाकी उसके बाद बेसिक्स मतलब कि जो आपको सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, होटल मैनेजमेंट के या इंस्टीट्यूट में, उनमें वो चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं और उसी को प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से काटना चाहिए, छीलना चाहिए, बनाना चाहिए, सब्जी बनानी चाहिए, छोंक लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें एक बार सीख जाओगे उसको, उसकी बात फिर उसके फास्ट करना बाद की बात है। जल्दी जल्दी मतलब ये मतलब काटना है या जल्दी बनाने हैं, पाइपिंग करनी है, वो बाद में फास्ट करिए, पहले आप एक बेसिक सीख लीजिए कैसे यूज़ करना है उसको। अगर वो कर लोगे फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं है उसका, आपका फिर कोई भी एंड नहीं है। यू विल हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कर सकते हो, एक ही चीज़ को नए नए तरीके से बना सकते हो, आप दूसरे के खाने को अपने माध्यम से चेंज कर सकते हो कि आपको इतने तरीके आते हैं। ये जितने बड़े बड़े शेफ रेस्टोरेंट बने हैं वो यही चीज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको फिर दिमाग यूज़ करते हैं उसके लिए कि हम अपने कौन सी चीज़ को, और प्लस कुछ ये पढ़ना, देखना और आगे से एक्सपीरियंस करना। कंपटीशन में आओगे तो कहीं भी कंपटीशन होता है, ये एक देखा गया है, जहाँ भी कुलरी कंटेस्ट या किसी चीज़ का कंपटीशन हो, वहाँ का स्टैंडर्ड उस जगह का अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जब अब एक अपना खाना बना के मैं लेके आता हूँ और मैं जब इनका खाना देखूँगा वहाँ पे, तो मुझे कोई नई चीज़ दिखेगी या उसको नए तरीके दिखेगा तो पिकअप करके जाऊँगा। तो वो जिस एरिया में भी ये कंपटीशन होंगे, उस एरिया की उस जगह का जो एक स्टैंडर्ड है वो अपने आप स्तर बढ़ जाता है। तो ये एक कंपटीशन कराने का, ये मैं सोचा करो कि ये एक मजमा लगाना है या कुछ करना है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए एजुकेशन होती है। और उस जगह पे आपको मौके मिलते हैं पब्लिक को भी दिखाने के खाने कैसे खाए जा सकते हैं। एजुकेशन में अच्छा ये रही है शेफ्स की जो एक अपनी एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि जब मैं शेफ्स की एक एसोसिएशन है जो मैंने बताया आपको, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए खाना बनाते हैं, वो एक क्लब द शेफ, द शेफ के नाम से है ये। 1990 में मैंने ज्वाइन किए थी, इंडिया को पहले रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, क्योंकि फिर एम एस गुप्ता जी आए, मैं 7-8 साल रहा उसके अंदर। हर साल कहीं ना कहीं, अब ये मोंटू सैनी हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे कर रहे हैं, और 2017 में शायद इंडिया में हुए थे तो राष्ट्रपति भवन में भी आए थे और मोदी जी से मिले थे पूरे मेंबर्स वगैरह। तो उसके तहत आप बड़े मौके मिले कि मुझे वाइट हाउस जाने के, या वहाँ पे क्लिंटन प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने हमें बुलाया,
तो ये इतनी रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ। अगर आप वहाँ पे गए प्रीमियर कैनेडा में तो टोरंटो में ओटावा में उन्होंने अपने वहाँ पे हाँ तो वो क्रेटिन होते थे उस टाइम वहाँ की, मैं 95-94 उसकी बात कर रहा हूँ। थाईलैंड की क्वीन प्रिंसेस ने अपने आप खाना बना के हमें खिलाया था, एक सैलड बनाया था। तो आपको देखो जब ऐसे मौके मिलते हैं इस लेवल पे तो वो शेफ ही था तभी यह मौका मिला। तो आपको इस पोजीशन पे इस यूनिफॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और ये बहुत जगह जगह आपको ले जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जब से देखा है संजीव कपूर और रणबीर बरार ये जो लोग कितना सोखी और ये सब कर रहे हैं काम, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो टीवी पे शेफ्स इतना अच्छा कर रहे हैं, मशहूरी कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है और इनको देखा है, इनका प्रेजेंटेशन है, उसमें भी अगर आप लोग आना चाहें तो वो भी एक एक फील्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जगह पे है, इट इज़ नॉट ओनली इन द होटल्स रेस्टोरेंट केटरिंग यू नो क्रूज लाइनर्स और एयरलाइंस की केटरिंग में, बट आपको बहुत जगह पे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको फूड डिज़ाइन या इनफैक्ट जैसे मसाले की बात कर रहे थे, मसाले के लिए अगर मसालों को तैयार करना है, मसालों को यूज़ कैसे करना है, मसाले के लिए उनकी उनको प्रमोट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें बना के, वो भी एक शेफ़ लोग ही आगे बता सकते हैं। और ये एक दूसरे के साथ इंडस्ट्री में और इनके शेफ़ का मिलके ये जो आगे बढ़ावा है वो नई नई चीज़ें लेके आएंगे, उनकी पैकेजिंग करेंगे, वो उसको बताएंगे कैसे तरीके से बना सकते हैं और ये तरीके आप सजेस्ट कर सकते हो और निकल आइडिया ला सकते हो। और नहीं तो इनफैक्ट चीज़ें बना के भी, ये तो सिर्फ मसाले ही हैं, इवन सम प्री कुक्ड पैक फूड कैन ऑल्सो बी यू नो थॉट ऑफ और डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। ये प्रोफेशन आप के लिए बहुत अच्छा चुना है आपने, तो आप पहले तो पहले इस बात का बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दूँ कि आपने बड़ी अच्छी लाइन में आए हो, आपने जो इस चीज़ को इकट्ठा बढ़ावा दे रहे हो ये एक मैगज़ीन के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, यूट्यूब के अपने चैनल और व्हाट आपने जो एक बनाया है ऐप भी कर रहे हैं उसके लिए, आई थिंक इट्स सराहनीय है। मैं इसके उठ के बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। कभी भी किसी टाइम भी इसकी ज़रूरत हो हम लोगों को, शेफ एसोसिएशन को, उसके लिए हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for coming and enlightening us. Your mere presence has made this event happening, and then listening to your views and experiences is like icing on the cake. So, a big round of applause for this, sir. Na, yaar, any energy nahi chaldi, whole energy chahiye hai. So, I would like to welcome Chef Ramase Parmar and Chef Manoj Dholakia from Delhi. Surma o pechaniye jo lade din ke het, purja purja kat mare par kade na chhade khet. Surma wohi pechana jata hai jo kabhi apni field nahi chhodta. All these surmas deserve a lifetime achievement award. And we have such a surma amongst us, Mr. Vinod Doniyal. May I request our chief guest, Chef Sudhir Sibbal ji, to present Mr. Vinod with a Lifetime Achievement Award.
आपको एक बात और जानकर बहुत खुशी होगी, वो ये कि आपने टीवी शोज में फिल्म फेयर अवार्ड्स बहुत देखे होंगे, तो हम लोग मैं थोड़ा सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली सिब्बल साहब और आपने फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड्स देखे होंगे बहुत ज़्यादा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, हमारी इंडस्ट्री फिल्म बॉलीवुड से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा कोई भी ऐसा फंक्शन या अवार्ड सेरेमनी हमारी नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में। तो मैं इस मंच से एक हर साल अवार्ड सेरेमनी भी शुरू करूँगा, इसकी भी हम लोग, मेरी टीम रूपरेखा बना रही है। हम लोग जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में होते हैं डेब्यू डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कौन हीरो है कौन हीरोइन है, उनको अवार्ड मिलते हैं, ऐसे ही हम लोग अपनी इंडस्ट्री का फिल्म फेयर अवार्ड करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज से की है। हमारे बीच में सुनील जी हैं, इनके बारे में, सॉरी विनोद शंकर ढुनियाल जी, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये शेफ नहीं है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ITC मौर्या में मैनेजर हैं, पिछले 25 ईयर से ये वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक ही होटल में, एक ही ग्रुप में, ITC मौर्या में। ये अपने आप में ITC मौर्या और इनके लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि मैंने भी जॉब की है, 3 साल 4 साल कहीं जॉब कर ली, मन नहीं भरा, सैलरी कम है, ये प्रॉब्लम आ गई, ईको हर्ट हो गया, मेरे GM ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ ने मुझे कुछ बोल दिया, ये पड़ी धर्मशाला, ये पड़ी जॉब, मैं चला। तो इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत अच्छे से खुद देखा है, तो इसलिए विनोद जी का ये बहुत बड़ा अचीव है कि इन्होंने 25 ईयर्स एक ही ग्रुप में जॉब की है। तो हम आने वाले समय में हर साल एक फिल्म फेयर अवार्ड की तरह हम अपना अवार्ड कंपटीशन करेंगे, जिसकी जूरी मेंबर हम 7 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं, जिसमें कि शेफ रामसे पवार जी हैं, शेफ मनोज ढुलकिया जी हैं, और शेफ मानव पाल जी हैं, हमारे बीच में नहीं है अभी, वो नैनीताल से, उनको आना था वो आ नहीं पाए, और हम लोग ऐसे ही एक 5 या 7 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों को ढूंढ के लाएगी, उनके ऊपर रिसर्च होगा भी इन्होंने इंडस्ट्री के लिए क्या किया है, इन्होंने क्या क्या आगे के इनके प्लान हैं, तो हम उससे इनको प्रोत्साहन करेंगे, जिससे कि आगे के लिए वो और बढ़ चढ़ कर दिल से काम करें। तो हम लोग हर साल अपना एक अवार्ड कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में, कभी पंजाब में, कभी हिमाचल में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तराखंड में, कभी वेस्ट बंगाल में, हर साल होगा, घूम के होगा, 29 कंट्रीज है, घूमेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह हम लोग अवार्ड सेरेमनी भी करेंगे। अब आती है, मैं आज सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, हमने बहुत इसके ऊपर 2 महीने से रिसर्च की है कि हमारी मैगजीन, हमारा ग्रुप करने के जा रहा है। तो अभी मेन मुद्दा प्लेसमेंट को लेके उठा था, तो प्लेसमेंट के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमने 3 HR हायर कर लिए हैं, जो कि इसको काम कर रहे हैं। शेफ चॉइस पत्रिका के 3 HR भी हमने रखे हैं। ये लोग क्या काम कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा मैं आपको चीज बता देता हूं, ये लोग करने क्या लगे हैं। ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी होटल्स हैं, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं,
और इवन कि हमारे जो हिंदुस्तान में अच्छे होटल्स हैं उनके साथ हम टाई अप करके एक प्लेसमेंट फेयर, हम लोग प्लेसमेंट का एक मेला लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि वहाँ के एचआर अपने होटल का स्टॉल लगाएंगे और वहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या और जॉब करने वाले लोग हैं ये अपना रिज्यूम दें, ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू होगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम लोग शेफ लोग हैं तो हमारी जो सैलरी तय होती है वो ट्रायल बेस पे तय होती है, तो वहाँ पे एक किचन सेटअप भी तैयार रहेगा आपका, तो वहाँ पे आप लोग अपना ट्रायल भी दे सकते हैं और वहीं आपका सैलरी फिक्स हो जाएगा और ये प्लेसमेंट भी हम लोग फेयर करने जा रहे हैं। और एक चीज़, जहाँ जहाँ हम कंपटीशन करेंगे आउट ऑफ वे में जाते हैं हम लोग, आउट ऑफ स्टेट्स में हम जाते हैं जब, तो हमारे साथ दो तीन कंपनी हैं, प्रेस्टीज है, पीजन है और दो तीन कंपनी और हैं, उनसे बात चल रही है, वो किचन सेटअप अपनी गाड़ियों के साथ भेजेंगे, वो किचन सेटअप वहाँ टेम्परेरी लगेगा, वहाँ आपका कंपटीशन होगा, वो वेंड अप करेंगे नेक्स्ट स्टेट में। तो ये पूरा हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं और हम लोग एक एनजीओ की तरह काम नहीं करेंगे, ना हम एक सोसाइटी या ट्रस्ट की तरह काम करेंगे, हम जैसे कंपनी चलती है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है, ये मैगजीन वैसे काम करेगी, बिल्कुल हायर करेंगे हम लोग स्टाफ को, क्योंकि मैं किसी को बोलूं आप में से यार 2 घंटे या 4 घंटे आप डेली मुझे दे दो, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने घर के और बहुत काम है, खर्चे हैं भैया, बच्चों को पालना है, पैसा आएगा तभी तो काम करेंगे। तो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में से लोग हायर कर लिए हैं, जो कि कॉरपोरेट ऑफिस हमारा उत्तराखंड में हम लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम हर चीज़ को प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं और प्लेसमेंट पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पर मैं आज इसको अनाउंस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं आज ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर रहेगा क्या, तो मैं टाइम टू टाइम इसको करने वाला था, पर क्योंकि मुद्दा प्लेसमेंट का उठा है तो प्लेसमेंट पे हम बहुत सॉलिड निकलेंगे और बहुत अच्छे से निकलेंगे। और रहा हम लोग जो यूट्यूब चैनल के बारे में हम बात कर रहे थे भी, वो वर्क क्या कर रहा है, हम लोग मसालों की इवन की जहाँ जहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मसाले की होगी या डिस्पोजेबल ग्लास बनते हैं, कटोरी बनती है, स्पून बनता है यहाँ पे, या एसएस की वीनस की कंपनी है, हमारे क्लासिक की कंपनी है मुरादाबाद में, या हमारी क्रॉकरी जयपुर में बनती है भारत वालों की, हम इनकी फैक्ट्री तक जाएंगे, वहाँ से ये चीज़ कैसे मैनुपुलेट होती है, कैसे बनती है, ये आपको यूट्यूब चैनल हमारा दिखाएगा। इतना हम इस पर श्योर हैं कि हम करने क्या वाले हैं, हमारा पूरा खाका तैयार हो चुका हुआ है, प्रॉपर वे से हम चलेंगे, चैनल टू चैनल चल के हम आपको एक ऐसा कुजीन परोस के देंगे, मैगजीन में भी, चैनल में भी और पोर्टल पे भी। ठीक है जी, तो अब बात आती है अवार्ड सेरेमनी की, तो ये अवार्ड हम लोग आपके माध्यम से, आप लोग के आइडिया से हम इस इंडस्ट्री में इवन की स्टीवर तक को भी, एक वेटर को भी हम अवार्ड देंगे। इवन की जो होटल इंडस्ट्री में कैशियर काम करते हैं उसको भी अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी टीम को बोला है कि जो होटल में कैशियर है ना उसकी भी कैटेगरी बनाओ, और उसका कैटेगरी हम लोग निकालेंगे कहां से, तो वो भी हम लोग वोटिंग करवाएंगे भी। आम आदमी जब रेस्टोरेंट में जाके या किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाके खाना खाता है तो उसकी कैटेगरी हम बनाएंगे साथ, आप इसको वोटिंग कीजिए आप, तो हम पब्लिक से वोटिंग भी कराएंगे उसकी। तो पूरा हम लोग एक तैयार कर रहे हैं खाका भी, असिस्टेंट को शेफ, इवन की जो स्टूडेंट्स एचएम के डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं अपना डेब्यू करते हैं, हम डेब्यू अवार्ड भी देंगे उस बच्चों को। यहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा और आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार और सहयोग से हम इसको बहुत अच्छा करेंगे, आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं चाहता हूँ, और आगे का कार्यक्रम प्लीज। सो आई वुड लाइक मिस्टर जितेंद्र धीर जी टू डिस्ट्रीब्यूट मोमेंटोज टू द दिल्ली टीम।
अब आती है ये मोमेंटोस हम इसलिए दे रहे हैं दिल्ली टीम को क्योंकि तीन मेंबर जो हमारे दिल्ली के हैं जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है तो हमारे बीच में और भी बहुत लोग बैठे हैं, हम उनके लिए भी ये अवार्ड आगे से हम देना चाहेंगे कि आप लोग हमें बुलाएं, कहीं पे भी आप कोई फंक्शन करते हैं फेडरेशन का तो आप लोग को हम अपनी तरफ से अवार्ड दें जिससे कि आप आगे बढ़ चढ़कर कार्यक्रम करें। और आपको मैं अभी भी फंडिंग के लिए बता रहा हूँ तो फंडिंग की चिंता मत करें, जैसे पंजाब वाले हमारे पास बैठे हैं, वेस्ट बंगाल से एक हमारी शेफ है रोमी, उनका कॉल आया सर आप कलकत्ता का बारे तो हमने उनको अगस्त में टाइम दिया है। जयपुर से रजौरिया जी हैं हमारे बीच, उन्होंने हमें बोला भी आप जयपुर का बारे हैं तो जयपुर में भी हम लोग ऐसे ही इवेंट करेंगे, जहाँ जहाँ हम इवेंट करेंगे तो वहाँ की टीम को भी लगना चाहिए कि हमें भी कुछ प्रेजेंट पे कुछ हौसला अफजाई के लिए हमें कुछ दिया गया। तो मैं दिल्ली टीम में जिन्होंने आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इनमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा प्रियंका तनेजा जी को कि वो अपना मोमेंटो अपना स्मृति चिन्ह लें। सिबल सर आपसे गुजारिश है कि इन्हें सम्मानित कर लें और विमोद जी से भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप आए, मदन जी रजेश जी आप भी आए और इन्हें आप सम्मानित करें इनका हौसला अफजाई के लिए प्रियंका जी को। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा शेफ सुनील ढुंडियाल जी को कि वो भी अपना स्मृति चिन्ह लें और आगे के लिए सुनील जी से गुजारिश है भी आगे भी आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें। हमारे बीच शेफ मदन जी हैं, उनसे भी गुजारिश है वो भी लें। सुनील सर सुनील सर एक बड़ा वाला मोमेंटो दो मोमेंटो एक ऐसा और एक बोलिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में गोल्डी मसाले से नीरज जी आए हुए हैं तो ये नीरज जी आपकी कंपनी के लिए है अवार्ड कि आपने समय दिया और यहाँ आए ये आपके लिए है। अपना नीरज जी अपना प्राइज लें स्मृति चिन्ह लें और आगे के लिए भी गोयनका जी से हम और एक एक हमारे बीच में उत्तराखंड से हैं राजेंद्र नेगी जी जिन्होंने काफी हमारे शेफ का इंटरव्यूज लिया है, राजेंद्र नेगी जी से भी गुजारिश है कि वो भी अपना ले। इन्होंने बहुत लोगों के इंटरव्यू किए हैं, कम से कम 50-60 लोगों के इंटरव्यू कर चुके हैं ये, इनकी टीम है प्रॉपर, ये हमारे मैगजीन के ब्यूरो चीफ हमने नियुक्त किया है, ये न्यूली पर्सन है अभी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर है इनका, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है वहाँ से कर रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है तो मेरा सिर्फ एक फ़ोन गया था प्लीज़ आइए तो तुरंत आए तो सर प्लीज़ आप आए। अब मैं आपको एक न्यूज़ पोर्टल के बारे में बता देता हूँ जो कि हमारा न्यूज़ पोर्टल है वो शेफ चॉइस मैगजीन .com है, आप उसे देखेंगे तो आपको उसमें कुछ न्यूज़ मिलेंगी। मैं अभी ये शेफ चॉइस मैगजीन का ये पोर्टल है, इसमें बकायदा फोटोग्राफ्स भी लगी हुई हैं और
इसमें ये चल रहा है, इसराइल में पहाड़ी शेफ ने जीता मोदी का दिल। उसके बाद है रवैया बदलने तो बढ़ेगा पर्यटन। ये HMB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के डीन है SC बाखड़ी जी, उनका है। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के हाथों में स्वाद है, ये शेफ है अजय रावत, ये इस समय लद्दाख में है। उनके बारे में, शेफ प्रोफेशन लाइफ में खुश हूँ, शेफ रामपाल, ये जम्मू कश्मीर से हैं। उसके बाद है गरीबी के कारण 14 साल की उम्र में करनी पड़ी नौकरी, ये शेफ अनिबन मंडल हैं उत्तर प्रदेश अपना वेस्ट बंगाल से। उसके बाद कामनी देवी अरोड़ा, बेटियों किसी से कम नहीं, ये स्टोरी है इनकी। होटल मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपके पास अवसर, ये काफ़ी स्टोरीज हम लोगों ने इसमें पोर्टल में डाल रखी हैं। तो ये एक पोर्टल हमारा ऐसे वर्क करेगा, इसमें हम टाइम टू टाइम आप लोगों की न्यूज़ पब्लिशर करते रहेंगे। ये पोर्टल के लिंक आपको हमारी फेसबुक से मिल जाएंगे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है शेफ चॉइस मैगजीन का, उसमें से भी आपको ये लिंक आज सेंड कर दिए जाएंगे। एक तो ये है, ठीक है जी। और हमारे पास काफ़ी मैसेज जो यहाँ नहीं आ सके उनके आए हैं, वो भी मैसेज मेरे पास आए हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम भी कितने कितने लोगों के मैसेज आए हैं, पर आए 62 हैं तो मैं दिखा नहीं पाया, ये कल हम अपने चैनल पर लोड कर देंगे, तो आप उसमें मैसेज जो सुनिएगा उनके। तो अब अहम पार्ट जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं, शेफ कोर्ट, ठीक है जी, उसके लिए हम लॉन्चिंग के लिए करने जा रहे हैं। मैसेज मेरे पास, न्यूज पोर्टल हमने लॉन्च कर दिया है, इसके लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ऐसे ही हमारा ये YouTube चैनल है सर, वो शेफ चॉइस आप सर्च करेंगे YouTube में जाकर, वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें आज का कार्यक्रम, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, आपके इंटरव्यूज, ये लोग हम लोग करेंगे। ये 15 जुलाई तक हम इस पे एक महीना डेमो कर रहे हैं, और उसके बाद ये कंटिन्यूस आपको लाइव मिलेगा, कंटिन्यूसली लाइव मिलेगा। और इसमें आप लोग हमें कॉल करें, अपने होटल में, अपने कहीं पे भी आप हमें बुलाएं, हम तुरंत, हमारी टीम वहां प्रेजेंट रहेगी आपके पास। इसके शेफ कोट जो लॉन्च है, इस पर एक साइड शेफ चॉइस मैगजीन का लोगो है, एक तरफ फेडरेशन का लोगो है, और इसके पॉकेट के ऊपर ऑफिशियल लोगो हमारा शेफ चॉइस का है, और बाजुओं पर भी दो लोगो लगे हुए हैं। ये चारों लोगो हमारे अपने हैं, और हमने इसको बहुत अच्छे से कोशिश की है डिज़ाइन करने की, पर आने वाले टाइम में हम इसको और अच्छा कोट को लॉन्च करें, यानी बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि और अच्छा हम लोग इस कोड को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि हमारे पास ले देके जो हमारे पास बचता है वो हमारी सिर्फ यही है, एक जैकेट जब हम इसको पहनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा हम लोग महसूस करते हैं, अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो ये हमारे लिए आन बान शान होती है जब हम इसको पहनते हैं, तो हमें रोजी रोटी जो हम लोग कमाते हैं वो सिर्फ इसी की बदौलत हम लोग कमाते हैं। और ये पहनकर जब मैं भी काम करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आज अपना शेफ कोट पहन नहीं सका, वो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से, क्योंकि मुझे अपना कोट पहनने में बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं अपना शेफ कोट पहनता हूँ। इसके साथ साथ नेम प्लेट भी है जो चेस्ट पे लगेगी, नेम प्लेट्स।
एक दो कोट और दे देना अशोक जी, एक दो कोट और दे देना, हाँ जल्दी लौटना, एक दो कोट और दे देना। ये इस तरह की नेम प्लेट भी इसके ऊपर लगेगी, ये नेम प्लेट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप लोगों को किसी को मैगजीन बुक कराना हो तो हमारे में मिश्रा जी हैं, यश मिश्रा जी, आप इनसे फॉर्म ले सकते हैं और अपनी मैगजीन बुक करवा सकते हैं। जब जब आपको हर साल आपके आपके हर महीने आपके पते पे वो मैगजीन पहुंचेगी। ये नेम प्लेट एक सर्टिफिकेट लगेगा, कोई एक सर्टिफिकेट हम लोग मेंबरशिप एक बार सब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पकड़ लें और ग्रुप फोटो करवा दें। तो आजकल का तो जमाना ही सोशल मीडिया का है, तो उसके लिए आप लोग इसको पकड़ें तो थोड़ा सा अच्छा लगे। और मेरे बीच में शेफ वरिंदर है, स्मार्ट गाय है, मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज आप आगे आ जाए, कोट पहन लें। वरिंदर जी से गुजारिश है, स्मार्ट गाय है और ये लुधियाना में अपनी बेकरी भी चलाते हैं, केक हाउस है इनका लुधियाना में। हम लोगों ने आगे कुछ कार्यक्रम करना था तो समय इजाज़त नहीं दे रहा, तो हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी रखे थे सर्टिफिकेट के, प्रेजेंट इसके कोर्ट के, तो किसी कारणवश हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा आज के कार्यक्रम के सुनील ढुंडियाल जी से, वो आए दो शब्द कहें और थैंक्स करें सभी आए हुए अतिथियों का। तो मेरी ये गुजारिश है सुनील ढुंडियाल जी से, वो मंच पर आएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ सुनील ढोंडियाल, आज के मुख्य अतिथि शेफ कपिल सिब्बल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और भी जो हमारे स्टेज पे गणमान्य व्यक्ति हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारी इस एसोसिएशन के लिए और हमारी इस इवेंट के लिए टाइम निकाला। और जितेंद्र जी का भी खासकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शेफ लोगों के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म सोचा, और आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा करेगा आगे के लिए भी। और आज के कार्यक्रम की समापना की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार आप सबके लिए जो आप ये इवेंट पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट हैं और शेफ कोड है, जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको बुक करवाया हुआ है मैगजीन को, वो प्लीज़ अपने शेफ कोड और ये सर्टिफिकेट और अपने नेम प्लेट लेकर जाएं। मेरी गुजारिश है एक सिब्बल साहब से, सर हमारे बीच में एक मैडम है मंजू कुमार जी, अमृतसर से हैं, ये अपना वहाँ पर इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, होम साइंस की क्लासेस भी लेते हैं और डांसिंग का भी है। इन्होंने एक मिक्सचर एक यूनिट वहाँ बनाया हुआ है, एकेडमिक है इनका, तो ये काफ़ी वहाँ पे अमृतसर में पॉपुलर हैं, इनकी काफ़ी न्यूज़ छपती हैं वहाँ पर। इवन कि मैंने इनको वहाँ से फॉलो किया और फिर मैंने इनसे टाइप किया, तो इन्होंने सबसे पहले हमारी मैगजीन बुक करवाई। तो मेरे बीच में मंजू जी हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना सर्टिफिकेट वो ले लें। मैं माफ़ी चाहूँगा
सभी से, क्योंकि सभी लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और सर्टिफिकेट उनको देने थे मंच पे, इतना समय नहीं हो पाएगा, तो सभी लोग अपना कलेक्ट कर लें और फर्दर हम कहीं ना कहीं उनको जिम्मेवारी देके उनसे कोई ना कोई काम लेंगे। पर मैं माफ़ी चाहूँगा कान पकड़ के कि हम उनको मंच से एक एक को सर्टिफिकेट और ड्रेस शेफ कोट नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए दिल से सॉरी, मुझे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। First, I would like to thank you all for gathering over here.